everybody, welcome back to my channel Preeti Pranav और मैं हूँ प्रीति. आज मैं आपके साथ में Amazon haul share कर रही हूँ. Amazon पर sale start हो गई है, 5th से ही sale start हो रही है, तो आपको ये जो भी मैंने products आज मंगवाए हैं वो थोड़े discounted price में मिल सकते हैं, तो check करना ना भूलें. So basically आज मैं आपके साथ में beauty के कुछ products, कुछ hair accessories ये सब share करने वाली हूँ, like all random things, किसी भी एक particular category से नहीं है and सारी चीजें ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है. तो ये जो मैंने मेकअप किया है बहुत ही सिंपल सटल सा और बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट्स के साथ में, इसका वीडियो मेरे इंस्टा पर जाएगा. तो अगर आप इंस्टा पर फॉलो नहीं करते हैं तो फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टा पर. सो चलिए हॉल की शुरुआत करते हैं, और जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी सारे प्रोडक्ट्स के जो अमेजोन की लिंक है वो मिल जाएगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में. एंड ये वीडियो जो है ये माई हॉल स्टोर के साथ में कोलैबोरेशन का वीडियो है. सो सबसे पहला जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो है मेरा ये प्यारा सा नेल पेंट. मेरे नेल पेंट्स आप लोगों को हमेशा अच्छे लगते हैं एंड मोस्टली मैं अमेजोन से जो अमेजोन के अच्छे ब्रांड्स हैं, ट्रस्टवर्दी ब्रांड्स हैं, जिनको बहुत अच्छे रिव्यूज मिले हैं, वही प्रोडक्ट्स वही नेल पेंट्स में ज्यादा ट्राई करती हूँ. तो मुझे एक्चुअली नियॉन ग्रीन कलर की नेल पेंट चाहिए थी बहुत लंबे समय से. मैंने कल लगाया था इस नेल पेंट को एंड ये मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है अभी भी, और अच्छी लगती है. और ख़ास करके ये जो इस टाइप का वेदर है ना, बरसात वाला वेदर, इसमें इस तरीके की जो एकदम चटक सी नेल पेंट्स होती है ना वो बहुत ही सुंदर दिखती है. पूरे अटायर पूरे गेटअप में अलग से चमक के दिखती है एंड ड्यूरेबिलिटी एंड फिनिशिंग सारी चीज़ें, कलर पे ऑफ सारी चीज़ें इस नेल पेंट की बहुत अच्छी है. सो मैं आपको दिखा देती हूँ. ये देखिए कुछ इस तरीके के बॉक्स में आया था एंड इंटरनल पैकेजिंग इसकी ऐसी थी. ये है ब्रॉम्प्ट ब्रांड की एंड ये अंदर आप देखेंगे तो ये है नेल पेंट एंड काफ़ी सुंदर है. कलर पे ऑफ अच्छा है, कलर अच्छा है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी लगी मुझे एंड जो इसका टेक्सचर मटेरियल हाथों में मैट से फिनिशिंग दे रहा है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है. अब ये जो मैं आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, वैसे तो काफ़ी सुंदर सुंदर प्रोडक्ट्स हैं. हाँ, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो अभी मैंने अपने फेस पर यूज़ किया हुआ है. ये है एक प्राइमर जो कि है स्विस ब्यूटी का एंड इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्टार्स मिले थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्टार्स, और इसकी बहुत तारीफ सुनी है मैंने मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स से. सो बेसिकली अगर आपको कोई ऐसा प्राइमर चाहिए जो कि आप मेकअप करें उसके बाद में अलग से एक चमक, अलग सा एक ग्लो आपके फेस पे दे, तो आपको ये स्विस ब्यूटी का बहुत ही अफोर्डेबल 300 समथिंग का इतना बड़ा ये मेकअप बेस है ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए. एंड स्पेशली उन लोगों के लिए मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगी जो मेकअप करने के बाद हाईलाइटर लगाने से थोड़ा डरते हैं, जिनको ऐसा लगता है हाईलाइटर लगाने से बहुत ही ओवर दिखता है मेकअप, वो अपने मेकअप करने से पहले, फाउंडेशन लगाने से पहले ये जो मेकअप बेस है जिसको कि प्राइमर भी बोलते हैं, इसको अपने फेस पर लगा लें और फिर इसके ऊपर से आप अपना जो भी फाउंडेशन वगैरह लगा रहे हैं वो लगाएं, तो इतना सुंदर नेचुरल ग्लो और मतलब एकदम फ्लॉलेस सा दिखता है आपका मेकअप, एकदम चमकता हुआ सा वैसा दिखेगा. अगर आप देखेंगे तो मेरे दोनों हाथों में आपको अंतर भी दिख रहा होगा, ये आपको अलग से शाइनी दिख रहा होगा, ये उतना शाइनी नहीं है. इसमें चंक्स नहीं मिलेंगे आपको ग्लिटर के, बट ये बहुत अच्छी शाइन देता है, आप मेरे दोनों हाथों में ही डिफरेंस देख सकते हैं. सो मुझे ये मस्ट हैव लगा मेकअप, जो मेकअप करना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए ये मस्ट हैव है, इसको आपको एज प्राइमर यूज़ करना है. सो प्राइमर का काम करने के साथ ही साथ ये आपके मेकअप को बहुत अच्छा ग्लो भी देगा, तो मुझे ये अच्छा लगा. इसको लगाने के बाद में आपको हाईलाइटर की जरूरत नहीं, आप देखेंगे तो मेरा मेकअप भी बहुत ही ज़्यादा इसे एकदम उठ के दिख रहा है, शाइनी सा दिख रहा है. सो ये था नेक्स्ट प्रोडक्ट. अब मैंने बहुत सारी हेयर एक्सेसरीज भी मंगवाई हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ज्वेलरीज दिखा देती हूँ. सबसे पहले अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो मैं आपको ये जावेरी पर्ल की मैंने रिंग मंगवाई है. रिंग्स मुझे अच्छी लगती हैं, कई बार क्या होता है इस तरीके के स्टेटमेंट रिंग्स पहन लें तो पूरा मेकअप का ही लुक उठ करके दिखने लगता है, तो ये मुझे थोड़ी डिफरेंट सी रिंग दिखी थी. अगर आप देखेंगे तो इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो पैटर्न है और जो तरीका है इस पूरी रिंग का वो बहुत ही यूनिक है, लाइक शेप वगैरह सारी चीज़ें, थोड़ा मीनाकारी का काम है, कुंदन का और मोती का काम है, तो मुझे ये अच्छा लगा. और ऊपर से अभी फेस्टिवल आ रहा है तो सिंपल कुर्ता पहन लें, हल्का सा मेकअप कर लें और ऐसे कुछ स्टेटमेंट से रिंग पहन लेते हैं तो बहुत अच्छा दिखता है लुक. सो मैंने ये एक डिफरेंट से शेप वाली एक रिंग भी अपने लिए मंगवाई जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है, 100 समथिंग की है ये रिंग, तो मुझे ये रिंग अच्छी लगी एंड एडजस्टेबल है, तो आपको ऐसे भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी उंगलियाँ मोटी हैं या पतली हैं तो मेरी उंगलियों में आएगा कि नहीं आएगा. सो ये था नेक्स्ट प्रोडक्ट. अगला है ये बहुत ही सुंदर सा नेक पीस, इसमें भी अगेन कुंदन का काम किया हुआ है, मीनाकारी का काम किया हुआ है एंड ग्रीन कलर की बिट्स वाला है, बिकॉज मेरे पास में ग्रीन कलर के बिट्स वाले या पर्ल्स वाले नेकलेसेस नहीं थे इसलिए मैंने ये वाला ट्राई किया. और
इसका मुझे एक्चुअली इयररिंग भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा, ये जो कमल बना हुआ है ना इसमें, और ये ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है ये काफी सुंदर लगा, सो दैट्स व्हाई मैंने ये भी मंगवा लिया। अफोर्डेबल था और प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी इसकी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ हेयर एक्सेसरीज। ये वाले जो क्लचर्स थे ये मुझे बहुत बार ही दिखते थे अमेजोन पर, बट मैं सोचती थी लू की नहीं लू, लेकिन इस बार मैंने सोचा मैं ट्राई करती हूँ, बिकॉज अगेन इनको भी बहुत अच्छा रिव्यू मिला हुआ था। एंड पहले मुझे डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो प्लास्टिक का हो, लेकिन ये मेटालिक है और ये लगाने में बहुत ही सुंदर दिखता है बालों में। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में है, जैसे कि जो दो क्लचर्स हैं ये है रोज गोल्ड कलर के, देन दो क्लचर्स जो है ये सिल्वर कलर के हैं, एंड ये वाला जो है ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज है। प्राइस अगेन बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल और रीजनेबल है, और ये बालों में लगाने में बहुत सुंदर दिखते हैं। एंड ग्रिप वगैरह भी इनकी अच्छी है, ऐसा नहीं कि देखने में बस सुंदर है लेकिन ग्रिप कुछ है नहीं, बाल पकड़ में आते नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे ग्रिप है एंड ओवरऑल लुक में ये बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट अगेन हेयर एक्सेसरी है और ये है टिमटिम के लिए। मैंने टिमटिम को एक्चुअली इस तरीके की क्लिप्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी पसंद है मेरी बेटी को इस तरीके की चीजें पहनाना, सो मैंने अगर आप देखेंगे तो ये क्लिप्स का सेट जो है ये मंगवाया है। और क्योंकि बाहर जाना होता नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड और इस तरीके की शॉपिंग हो नहीं पाती है, लेकिन बच्चे को घर में ये सब पहना कर रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मुझे ये भी दिखा अमेजोन पर, रिव्यू अच्छे थे और लाइक बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर लग रहा था ये, तो मैंने सोचा कि मैं ये ले लेती हूँ, और हुआ तो कभी मैं भी लगा लूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, है ना, मेरे बाल खराब हो गए लगाने के चक्कर में। सो इस तरीके का है, ऊपर का अगर आप देखेंगे तो ये रबर टाइप का, सिलिकॉन टाइप का है, ये जो जितने यूनिकॉर्न्स बने हुए हैं ये सारे सिलिकॉन के बने हुए हैं, एंड अंदर इस तरीके की क्लिप है। सो चोटी करने के बाद में साइड से क्लिप लगा दिया, उस काम के लिए ये जो यूनिकॉर्न वाली क्लिप है ये काम आएगी, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। आप ऑफकोर्स इसे ट्राई कर सकते हैं, फेस्टिव सीजन है, और अगर आप भी मेरे जैसे हैं जिसको हेयर स्टाइल्स उतनी करने आती है नहीं बट फिर भी मन करता है कि कुछ अच्छा करें, कुछ डिफरेंट करें, तो उस केस के लिए मैंने कुछ मंगवाया है जिसमें कि ये हेयर बैंड भी आया है, ये आप देखेंगे तो ये वाला हेयर बैंड बहुत सही होता है। अगर आपको हेयर स्टाइल्स करना नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो नॉर्मल कोम करके ये हेयर बैंड लगा लो तो सामने से कुछ इस तरीके का दिखता है, तो वो अच्छा दिखता है। तो मैंने एक्चुअली में कुछ ऐसे फ्लावर्स का कॉम्बो मंगवाया है जिसमें कि मुझे ये हेयर बैंड भी मिला है, तो टोटल मैंने ये 5 रोजेस का कॉम्बो मंगवाया है। ये देखिए वाइट है, पिंक है, फिर ये थोड़ा सा डार्क पिंक है, एंड ये दो है मरून है, तो टोटल 5 रोजेस है। रोजेस का जो शेप वगैरह है वो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है, तो मैंने ये इसलिए मंगवा लिया कि फेस्टिवल है, बाल खुले भी करके एक तरफ से इस तरीके से करके यहाँ पर रोज लगा लिया, साड़ी वगैरह पहना है तो, या फिर पीछे नॉर्मल सा बन कर लिया बिल्कुल रफ सा, वहाँ पर ये जो रोज है ये लगा लिया, तो वो फेस्टिव लुक हो जाता है और अच्छा लग रहा था। मटेरियल और जो क्वालिटी है इन रोजेस की वो काफ़ी अच्छी है, और साथ में ये हेयर बैंड भी मिला है। एंड जब क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगी, इसमें सिर्फ ये देखिए, अगर आप ये क्लोजली देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक ये नहीं ही दिया हुआ है, नहीं तो जनरली सिर्फ एक ये रहता है जिसको आपको आपके बालों में फंसाना होता है, इसमें ये एक इस तरीके का पिन भी दिया हुआ है जिसको आप अपने जूड़े में फंसा सकते हैं। ये देखिए जूड़े में, या फिर कई बार लोगों को अपनी ड्रेस में भी लगाने का शौक होता है, या बच्चों को फ्रॉक में ही लगाने का शौक होता है, तो उस तरीके से, या चोटी की है चोटी में लगाना है, तो उसके लिए इसमें यहाँ पे ये पिन भी दिया हुआ है, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। लाइक बहुत सारी चीजें सोच करके बनाया हुआ है इन फ्लावर्स को, तो नेक्स्ट है ये। अब अगेन जो मैंने नेक्स्ट सेट मंगवाया है ये है टिमटिम के लिए, एक्चुअली ये बहुत ही बड़ा कॉम्बो है, तो आई डोंट थिंक मैं अभी हाथ में ऐसे रख करके आपको दिखा पाऊंगी, क्योंकि टिमटिम के हेयर लंबे हैं तो मुझे बहुत सारी हेयर एक्सेसरीज हमेशा लगती हैं, तो मैंने ये बहुत सारी ऐसे हेयर एक्सेसरी का पूरा कॉम्बो मंगवा लिया है, ये आप अभी स्क्रीन में देख रहे होंगे। तो इसमें हेयर बैंड्स मिले हैं मुझे क्लिप्स मिली हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर रबर बैंड्स मिले हैं, एंड ये छोटी छोटी जो बिड्स होती हैं ये मिली हैं, छोटे छोटे क्लचर्स मिले हैं, काफी सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट से रबर बैंड्स मिले हैं जो कि गर्ल्स की चोटी करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, तो इसलिए मैंने ये पूरा एक कॉम्बो ले लिया। एंड रेट के अकॉर्डिंग जब मुझे ये रिसीव हुआ तो मुझे ये भी प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, मोस्टली क्या है मार्केट में अभी जाना हो नहीं पा रहा है कि ये सारी चीजें लेकर आऊं, तो मैंने इसलिए ये भी अमेजोन से मंगवा लिया। लास्टली मैंने ये 3 लेयर वाला नेकलेस मंगवाया है, मेरे पास में पहले भी था ऐसा नेकलेस बट वो मुझे मिल नहीं रहा है, और अभी मुझे ये चाहिए था, अभी रिसेंटली एक फेस्टिवल के लिए मुझे ये 3 लेयर वाला चाहिए था, फेस्टिवल नहीं एक ओकेजन के लिए चाहिए, सो इसलिए मैंने वापस से इसको अमेजोन से मंगवाया, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में 199 में आई थिंक ये मुझे दिख गया अमेजोन में, तो मैंने इसको मंगवा लिया। सो क्वालिटी वाइज बहुत ही सुंदर है, एंड देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है 3 लेयर वाला, ये देखिए। सो आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो इसलिए
ये भी मंगवा लिया। तो ये था लास्ट प्रोडक्ट। सो यहाँ मेरा ये जो अमेजोन का वीडियो है ये फिनिश हो रहा है। पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, एंड सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।